सब्जेक्टिव शीट नंबर 33 वर्क पावर एनर्जी की, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट तो प्लीज पूछ सकते हो। 1 क्लियर है, हो गया, आंसर आ गया। एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी थी, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 हो गया, तो डाउट किसी को इसमें, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, एरिया निकालना है एफ और एक्स का, आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 4 तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, किसका हो गया, आंसर आ गया, क्या आपने इंटीग्रेशन से किया, ठीक है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा बिना इंटीग्रेशन के, ये सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन के साथ तो आपके सामने ही है जो है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ इसमें, पहले एक एक्चुअल लंबा तरीका इंटीग्रेशन के थ्रू, फिर बताऊंगा इसको छोटे तरीके से कैसे किया जा सकता है, अगर वो चीज़ आपको क्लिक कर जाए तो। पहली चीज़, इस क्वेश्चन में मास आपको गिवन है और डिस्टेंस वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो एक्स और टी का रिलेशन गिवन है, आपको बताना है वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ, तो मेरे को तो बस वर्क डन का एक ही फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म हो जाती है। और मैंने ये सोचा कि फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन तो गिवन नहीं है, तो क्यों ना कैलकुलस यूज करके पहले मैं एक्सेलेरेशन निकाल लूँ। तो पहले मैंने एक्स लिखा, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मेरे पास वेलोसिटी आ गई, मैंने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गई, तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, 2t। तो जब मैंने एक्सेलेरेशन निकाली तो मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए में ये वैल्यू को पुट किया, मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो फोर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो फोर्स है ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रही है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। अब प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल फोर्स है, अच्छी बात है। एक स्टूडेंट है, वो कहता है एक काम करो, मैंने कहा क्या, कहता देखो जी टाइम गिवन है 2 सेकेंड, तो तुम यहाँ पर 2 पुट कर दो। मैंने कहा उससे क्या होगा, कहता फोर्स हो जाएगी 4 × 2 = 8, फिर आप फोर्स को 8 लेके एस से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। मैंने कहा एस कैसे निकलेगा, वो कहता है देखो एक्स गिवन तो है। मैंने कहा फिर यहाँ क्या करें, कहता टाइम को पुट कर दो 2, एक्स आ गया, गलत। क्यों गलत, मैंने क्या किया गलत, तो कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर फोर्स निकाली टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मैंने एक्स भी निकाला 2 सेकेंड पे, तो गलत कैसे आई है, क्यों सही नहीं है ये, अगर सही नहीं तो क्यों सही नहीं, क्या गड़बड़ है इसमें। हाँ, मैंने वो इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल दी और मैंने इंस्टेंटेनियस एक्स निकाल दिया, चलो एक्स तो कोई बात नहीं, पर फोर्स इंस्टेंटेनियस है, तो वर्क डन भी उसी इंस्टेंट का निकला, जबकि उसने हमें वर्क डन कहा था 0 से 2 सेकेंड का, और 0 से 2 सेकेंड का मतलब मुझे बहुत सारे छोटे 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 वर्क डन को मिलाना पड़ेगा और टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन भी वेरिएबल है, तो मैं बिना इंटीग्रेशन के काम कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फोर्स। चलो एक बात तो समझ में आई कि टाइम सीधा 2 नहीं पुट करना, सही हो गया। फिर मैं खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है, हमें तो करा रखा है वेरिएबल फोर्स का एक ही तो फॉर्मूला हमें आता है, वो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला एफ डी एक्स। जब मैंने एफ डी एक्स लगाया और जब मैंने वैल्यू पुट करने की कोशिश की एफ डी एक्स में, तो एफ डी एक्स में एफ की वैल्यू कितनी है, 4t इंटू क्या कर दिया, डी एक्स। अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज ऐसे हो गया क्योंकि जितने पुराने क्वेश्चन थे उसमें एफ एक्स की फॉर्म में गिवन होता है और यहाँ पर टाइम की फॉर्म में गिवन है, कुछ चेंज है। तो मैंने सोचा कि 4t dx है, एक काम करता हूँ इसको dt बना देता हूँ, इसको dt बना देता हूँ। पर फिर याद आया कि अगर मैंने ऐसा किया, पहली बात तो ये याद आया कि मेरे को ये सलाह किसी ने दी नहीं थी, मेरे टीचर ने तो बिल्कुल नहीं दी क्लास में कि dt कर देना, पर चलो फिर भी तुमने मन की मान ली कि चलो शायद x के साथ x चलता होगा, t के साथ t चलता होगा, बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स है भाई, तुम इम्पल्स निकालने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम dt लगा देते हो ये वर्क डन नहीं निकलेगा, ये इम्पल्स निकलेगा, तो धक्का नहीं करना। ऐसा नहीं है कि t है तो शायद किसे गलती होगी होगी, dt कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जानबूझ के t दिया गया है। पर मैंने आपको f dt का फॉर्मूला नहीं बताया, f dx ही बताया, तुम उसी पर स्टिक रहना। तो f dx का फॉर्मूला लगाएं, f की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट करने वाला हूँ, 4t, तो यहाँ पर मैं
4t dt dx करने वाला हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो इंटीग्रेशन में या तो हर चीज़ x और x में चले या हर चीज़ t और t में चले। जैसे ये t चल रहा है तो ये dt कर दो, और अगर ये dx चल रहा है तो इसको x कर दो। मतलब कुछ तो x की फैमिली या t की फैमिली एक ही चीज़ होगी, दो तो चल नहीं सकते वेरिएबल। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ अपना क्वेश्चन dx x की फॉर्म में लेके आऊँ कि टाइम की फॉर्म में लेके आऊँ, ये डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उसने मुझे कहा वर्क डन निकालो फ्रॉम टाइम 0 to 2 सेकेंड। तो इसका मतलब वो मुझे किसकी लिमिट दे रहा है, टाइम की। तो मुझे dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, टाइम में, dt में। dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो dx को dt में कन्वर्ट करने का मतलब, या हमने मोशन किया था dx को dt में कैसे कन्वर्ट करते हैं या dt को dx में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक ही तरीका है। अगर तुम इसे dt में कन्वर्ट करना चाहते हो इसको dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर दो, कोई फर्क ना पड़ता, वन होता है। क्यों? क्योंकि dx बाय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, v। तो चेक करो, मैंने वही किया, dt और dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और dx बाय dt को क्या लिख लिया, v। तो मेरी इंटीग्रेशन किस टर्म में आ गई, dt। अब v की वैल्यू किसने पूछा क्या होगी, ये देखो निकाल रखी है कितनी, t स्क्वायर। तो मैंने v की जगह पुट कर दिया t स्क्वायर, तो 4 कांस्टेंट आ गया, क्या बचा, t क्यूब 0 से 2 सेकंड, टाइम की लिमिट गिवन है 2 सेकंड, तो t क्यूब की इंटीग्रेशन t इज 4/4, टाइम की जगह अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 16 जूल आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोचना है आपने? आपने एफ डी एक्स का फॉर्मूला ही लगाना है, आपने एफ डी टी नहीं करना। तो आप एफ और डी एक्स करें और ट्राई करें कि अपना क्वेश्चन टाइम की फॉर्म में करें ताकि टाइम की लिमिट लगा के आपका क्वेश्चन आ जाए। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? कितने लोग सोच पाए थे ये ऐसा स्टेप, सोच पाए, कर लिया था कन्वर्जन? ठीक है। किसी को कोई ऐसा मेथड आता है जिसमें इंटीग्रेशन यूज ना करनी पड़े? करंट एनर्जी, वेलोसिटी निकाल के हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन है। तो फिर इस चीज़ का आंसर दो कि काइनेटिक एनर्जी वो कहता है जूल है, वर्क डन भी जूल है, तो फिर ऐसा कर देते हैं। तो ठीक है, इस चीज़ का आंसर दो। एक ये बॉडी है, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मास 10 kg है। तो बताओ अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया इस बॉडी को वेलोसिटी 2 से 4 करने के लिए। तो क्या मैं ऐसा करूं, हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर कर दूं, तुम्हारे हिसाब से इसका वर्क डन आ जाएगा? फिर क्या करूं, फिर तुमने ऐसा इसमें क्यों किया? तुमने ही बोला हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, पर इसने ठीक बोला, इसने करेक्ट करके बोला, इसने बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। सही है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे। हम अभी बस 2 मिनट बाद इस असाइनमेंट के बाद एक टॉपिक करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक थ्योरम है, बहुत फेमस थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली एक बात कहती है, क्योंकि जिनको पता है वही सॉल्व कर पाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली ये बात कहती है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी यू है और मास उसका एम है, और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। देखो अपने आप फ्रिक्शन तो है नहीं, अपने आप तो वेलोसिटी बढ़ती नहीं किसी भी बॉडी की, तो आपने क्या लगाई होगी पीछे से, फोर्स। अब फोर्स लगाई, बॉडी को डिस्प्लेस किया, वेलोसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब आपने क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो भी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आई, क्या इंक्रीज आई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो भी चेंज या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, उतना ही अमाउंट ऑफ क्या किया गया होगा बॉडी के ऊपर, वर्क डन किया है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रूल क्लियर है। तो अगर आपकी बॉडी की एनर्जी काइनेटिक, यहाँ पर 10 जूल है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो 12 जूल हो जाती है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 जूल। अपने आप नहीं हुआ होगा, किसी ने क्या किया होगा इसके ऊपर, वर्क डन। तो वर्क डन कितने जूल का हुआ, 2 जूल का। सही है। अब मेरे को ये बताओ कि जो मेरा अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उस क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, टी स्क्वायर, चेक करो, यही थी टी स्क्वायर थी।
अगर वेलोसिटी टी स्क्वायर है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी स्क्वायर है, इंस्टेंटेनियस है, तो जब टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी बोलो कितनी है, 0 है, और जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी की वैल्यू बोलो कितनी है, 4 है, 2 का स्क्वायर, और मास कितने है बॉडी का चेक करना, 2 kg, 2 kg। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी ने कितना किया होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप इन्हें माइनस करेंगे तो हाफ इंटू टू इंटू फोर का स्क्वायर इंटू फोर का स्क्वायर माइनस जीरो, चेक कर लो आंसर कितना आ गया, 16 जूल। वैसे मेथड तो ये भी ठीक है, तो नोट करना है तो नोट कर लो। तो याद रखना कि देखो जब क्वेश्चन आएगा, मेरी कोशिश हमेशा रहेगी इंटीग्रेशन ना यूज़ हो, ऐसी बात बन जाए तो कितना अच्छा है, तो ऐसे बात बन गई तो भी ठीक, नहीं बनी तो फिर इंटीग्रेशन तो है ही है उसको काम ठीक करने के लिए, फिर तो कोई तरीका ही नहीं है। ऐसा किया, इंटीग्रेशन नहीं किया था, ठीक है यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। तो ये थ्योरम अभी हम करने वाले हैं, थोड़ा सा एक मेथड मैंने पहले बता दिया, वैसे आज का लेक्चर वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एरिया की प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, सारा एरिया मत निकाल देना, उसने 2 और 3 के बीच में कहा तो बस यही निकालना, ठीक ठीक है।